أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم We are starting from first year pharmacy first semester biochemistry glycolysis This is an on-demand video Glycolysis start करने से पहले हम कुछ basic terms अगर पढ़ें तो हम कहते हैं body में जितने भी reactions हो रहे हैं उन्हें हम metabolism का नाम देते हैं और metabolism को हम दो parts में divide करते हैं catabolic reactions और anabolic reactions हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी मिलेगी तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और जब सिंपल मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में यूजुअली हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और साइटोप्लाज्म में हम यूजुअली एनाबॉलिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज में हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं जिनमें बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स जिसमें फिर फैटी एसिड्स अलग और लिपिड मेम्ब्रेन्स अलग और बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स शामिल है आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक ग्लाइकोलिसिस पर अगर हम सिंपल डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट ग्लूकोज मौजूद है ब्रेक हुआ ग्लाइकोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट में सिंपल हम इसे टर्म को नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस अगर हम एनर्जी के टर्म में ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करें तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस हैं फेज वन जो स्टेप नंबर वन से स्टेप नंबर फाइव तक है जिन्हें हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहेंगे और फेज नंबर टू हमारे पास स्टेप नंबर सिक्स से स्टेप नंबर टेन तक होगा जिसे हम एनर्जी जनरेशन फेज कहेंगे हम 10 स्टेप्स में टोटल इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस को डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर हम स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं जिसे हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहा था इससे मुराद है कि हम यहाँ पर अपनी बॉडी से एटीपी को यूज कर रहे होंगे और नंबर 6 से नंबर 10 जो हमारा एनर्जी जनरेशन फेज था यानी ये वो फेज होगा जहां पर हम एनर्जी बॉडी के लिए बना रहे होंगे आइए वन बाय वन हम इन तमाम 10 स्टेप्स को पढ़ते हैं और ग्लाइकोलाइसिस को अपने लिए आसान करते हैं जो एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे उनमें कार्बोक्सिलेज डी कार्बोक्सिलेज डी हाइड्रोजनेज आइसोमरेज और काइनेज शामिल है स्टेप नंबर वन से हम शुरू करते हैं इस वक्त हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन होगी फॉस्फोराइलेशन से मुराद है एक फॉस्फोरस ऐड होगा फॉस्फोरस ऐड कैसे होगा फॉस्फोरस एज एटीपी को एडीपी में हम कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है ये पी हमें कहां से मिला ये पी हमें एटीपी के एडीपी के कन्वर्जन में मिला यानी एक मॉलिक्यूल हमने यहां पर एटीपी का इस्तेमाल किया स्टेप नंबर टू को हम नाम देते हैं आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन का मतलब है ऐसा स्टेप जिसमें आइसोमर्स बनेंगे हम कहते हैं ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज है हम रिपीट करते हैं आइसोमर बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप नंबर थ्री को हम एक मतलब फिर फॉस्फोराइलेशन कहते हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मौजूद है एक फॉस्फोरस ऐड होगा ये फॉस्फोरस कहाँ से मिलेगा हमें ये फॉस्फोरस एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी में एंजाइम है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में एक दफा फिर सुन लेते हैं हम फॉस्फोराइलेशन हुई एटीपी मिला ADP में कन्वर्ट हुआ एक फॉस्फेट मिला हमें और वो फॉस्फेट ऐड हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में आइए इन तीन स्टेप्स को समराइज करते हैं दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए अब तक 6 मेंबर ग्लूकोज रिंग कन्वर्ट हो चुका है फ्रक्टोज में और दो ATP मॉलिक्यूल्स को हम अब तक इस्तेमाल कर चुके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने आइए स्टेप 4 पर पढ़ते हैं स्टेप 4 को हमने नाम दिया क्लीवेज और क्लीवेज का मतलब होता है टूट जाना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर जो ब्रेक होगा दो तीन कार्बन के स्ट्रक्चर में जिनमें एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है हमने
आपने नाम दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज से कार्बन स्ट्रक्चर है जो ब्रेक हुआ दो तीन कार्बन स्ट्रक्चर्स में, एक कीटोन ग्रुप में और एक एल्डिहाइड ग्रुप में, इनको हमने नाम दिया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक को हमने नाम दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। स्टेप नंबर 5 को हम कहेंगे आइसोमराइजेशन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। याद रहे पिछले स्टेप में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था क्लीवेज से फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट के। तो यहां आकर पहला फेज मुकम्मल हुआ जिसे हमने एनर्जी यूटिलाइजेशन फेज कहा था, जिसमें हमने एनर्जी को इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट फेज में हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड में और दो एटीपी हमने इस्तेमाल किए। दो मॉलिक्यूल्स कैसे हुए ग्लिसरॉल्डिहाइड के, हमने यहाँ पर देखा ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑलरेडी मॉलिक्यूल था और एक आइसोमर बना हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी ग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो इस तरह दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के। स्टेप नंबर 6 में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन भी होगी और फॉस्फोराइलेशन भी होगी। ये आपके पास मॉलिक्यूल था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होगा डिहाइड्रोजनेज। हम देख रहे हैं NAD पॉजिटिव अब कन्वर्ट हो रहा है NADH में, और अब जो आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है वो है 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। एक फॉस्फोरस ग्रुप का यहाँ पर एडिशन देखा हमने। स्टेप नंबर 7 को हम कहते हैं फॉस्फेट ट्रांसफर। अब हम सिर्फ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर देख रहे होंगे, ये 1,3-बिस्फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट था। हम अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ADP से ATP बन रहा है, चूंकि ये जो B मौजूद है ये B इस ADP के पास जाएगा और ATP बनेगा। हमने कहा था सेकंड फेज हमारे पास एनर्जी जनरेशन फेज होगा, तो यहाँ पर हमने बाकायदा इसे ऑब्जर्व किया कि अब पहला मॉलिक्यूल हमारे पास एनर्जी का बना और 3-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास स्टेप नंबर 7 में मिला। आइए स्टेप नंबर 8 में, तो हम कहेंगे आइसोमराइजेशन होगी, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, पहले फॉस्फोरस थर्ड नंबर पर था, अब फॉस्फोरस सेकंड नंबर पर है। एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। स्टेप नंबर 9 पे आते हैं। स्टेप नंबर 9 को हमने नाम दिया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल था। तो हमने देखा 2-फॉस्फोग्लिसरेट एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद बना फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। याद रहे कि हम एक मॉलिक्यूल को लेके आगे बढ़े थे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, तो जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस हो रहे हैं वही फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन हो रहे थे। स्टेप नंबर 10 में हमने कहा फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा, यानी एडीपी फिर से कन्वर्ट होगा एटीपी में। एक इससे पहले हमने कन्वर्ट होता हुआ देखा और एक अब हम कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर हमें दो एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो हमारे पास दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड थे जिससे हमें 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। आइए समराइज करते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि ओवरऑल हमारे पास दो एनएडीएच होंगे। हमने देखा एक फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक एनएडीएच दे पा रहा था, तो दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हमें दो एनएडीएच दे पा रहे हैं और 4 एटीपी दे पा रहे हैं। अगर आप इसका नेट लेते हैं तो आप कहेंगे कि दो एटीपी आपने इस्तेमाल किए, 4 एटीपी आपने प्रोड्यूस किए। तो जो दो एटीपी आपने इस्तेमाल किए थे अगर आप उसको माइनस करते हैं तो नेट रिजल्ट आपके पास 2 एटीपी होगा। और जर्नल अगर हम देखना चाहें तो ये ग्लूकोज प्लस 2 एनएडी, इससे बने 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल, 2 एनएडीएच और 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए और हमने देखा 2 एटीपी कन्वर्ट हुए 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स में। थैंक यू, आपने ये लेक्चर सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक समझ में आया। अगर आप किसी और टॉपिक पर हमसे कुछ समझना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स हमें 0333224301 पर जरूर भेजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।